बचपन से हम उस लोमड़ी पे हंसते आए हैं जिसने अंगूरों को खट्टा बताया था पर मुझे वो काफ़ी समझदार लगती है भाई पूरा प्रयास करने के बावजूद भी अगर असफलता आपके हाथ लगे तो उसके दर्द को कम करने के लिए सेल्फ डिसेप्शन यानी कि खुद से झूठ बोलना एक बड़ा कारगर तरीका है अब आप देखिए अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और अगर आपने आपको आप विश्वास दिला लें कि भाई ये लोग वैसे ही मेरे पोटेंशियल को पूरी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे थे और ये ना निकालते तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ देता इससे ना सिर्फ आपके अपमान का दर्द कम होता है बल्कि एक बेहतर नौकरी ढूंढने की आपको प्रेरणा भी मिलती है पर जहां एक तरफ सेल्फ डिसेप्शन आपको एक बुरी सिचुएशन से उबरने में मदद करती है वहीं पे एक बुरी सिचुएशन में आपको बनाए भी रख सकती है ऐसा तब होता है कि जब हम एक बुरी सिचुएशन में अपनी ऑप्शन एक्सप्लोर किए बगैर उसको कम्फर्टेबल बनाने के लिए सेल्फ डिसेप्शन का सहारा लेते हैं मसला मान लीजिए हम एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं और उससे निकलने का प्रयास किए बगैर उसको झेलने के लिए उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हम अपने आप को विश्वास दिला लेंगे अधिकतर शादियाँ ऐसी ही होती हैं या ये मेरे पिछले कर्मों का फल है या दिस इज़ द बेस्ट आई कैन गेट तो हम इसमें फंसे रह जाएंगे देखिए सेल्फ डिसेप्शन एक टूल है और इसका सही या गलत इस्तेमाल आपके हाथ में।